हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सी प्रोग्राम टू सर्च फॉर ए मैक्सिमम वैल्यू। देखिए इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए कि वी विश टू फाइंड द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स दैट कॉजेज द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स टू बी मैक्सिमाइज्ड। मतलब हमें क्या करना है कि हमें ये करना है कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, और हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पे ये फंक्शन मैक्सिमम हो। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स इज मैक्सिमम विद इन द इंटरवल बाउंडेड बाई x इक्वल टू जीरो ऑन द लेफ्ट एंड x इक्वल टू पाई ऑन द राइट। यानी इंटरवल जो डिफाइंड है x इक्वल टू जीरो ये लेफ्ट पे डिफाइंड है और x इक्वल टू पाई ये राइट पे डिफाइंड है। इस इनके बीच में हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पे ये फंक्शन मैक्सिमम हो। इसमें क्या होगा कि वी विल रिक्वायर दैट द मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ x बी नोन वेरी एक्यूरेटली। वी विल ऑल्सो रिक्वायर दैट द सर्च स्कीम बी रिलेटिवली एफिशियंट इन द सेंस दैट द फंक्शन y इक्वल टू x cos x शुड बी इवेल्यूएटेड एज फ्यू टाइम्स एज पॉसिबल। अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए, एक तो सोल्यूशन ये है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट वुड बी टू जनरेट ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड ट्रायल फंक्शंस। ठीक है, तो अब इसमें एक तो तरीका यह है कि मान लीजिए हम इसको कैसे करेंगे, तो एक तरीका यह है कि x इक्वल टू से जीरो पे, फिर x इक्वल टू 0.001 पे, फिर x इक्वल टू 0.0002 पे एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह हम वैल्यू कैलकुलेट करें। फिर मान लीजिए हमने कहा इसके बाद x इक्वल टू से 3.1416 पे। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज पे हम इसको कैलकुलेट करें एंड डिटरमाइन करें इसमें द लार्जेस्ट ऑफ दिस विजुअल फंक्शन। तो हालांकि इस तरह से ट्रायल करना और उसमें से लार्जेस्ट फाइंड आउट करना ये जो है कोई बहुत एफिशिएंट टेक्निक नहीं है, और दूसरी चीज क्या है कि इट वुड रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन टू ऑब्टेन द फाइनल रिजल्ट। ठीक, तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं, इसकी बजाय हम एलिमिनेशन स्कीम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन स्कीम में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन स्कीम में ये करेंगे कि पहले तो ये हाईली एफिशिएंट कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होगा फॉर ऑल फंक्शन दैट हैव ओनली वन मैक्सिमम विद इन द सर्च इंटरवल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी बिगिन विद टू सर्च पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द सर्च इंटरवल लोकेटेड ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो हम इसमें क्या लेते हैं, हम मान लीजिए हमने ए लिया, ए क्या है हमारा, ए है हमारा लेफ्ट एंड ऑफ द सर्च इंटरवल, ये हो गया लेफ्ट एंड ऑफ द सर्च इंटरवल। ठीक है, फिर x1 हमने ले लिया, x1 क्या है हमारा, या इसको बल्कि लेफ्ट हैंड ले रहा है तो इसको xl लिखिए, x1 की बजाय यू राइट इट एज xl। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड इंटीरियर सर्च पॉइंट, ये हुआ लेफ्ट एंड इंटीरियर सर्च पॉइंट, इंटीरियर सर्च पॉइंट। ठीक, ऐसे हमने एक्स आर लिया, ये क्या है, ये राइट हैंड, दिस इज राइट हैंड इंटीरियर सर्च पॉइंट। ठीक, उसके बाद बी क्या है, बी हमारा राइट एंड ऑफ द सर्च इंटरवल है, ये राइट एंड ऑफ द सर्च इंटरवल, यानी ए से बीच बीच में हमको देखना है, और एक्सएल हमने जस्ट लेफ्ट लिया और एक्सएल जो है एक्सआर जस्ट राइट लिया। अब इसमें हमने एक और वेरिएबल यूज करेंगे सेपरेशन, एसईपी, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्सएल एंड एक्सआर, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन एक्सएल एंड एक्सआर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अब मान लीजिए इसमें अगर हमें ए और बी अगर नोन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इफ ए एंड बी आर नोन देन द इंटीरियर पॉइंट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब इसमें हम मान ले अगर कि हमें लेफ्ट लिमिट
राइट लिमिट एंड सेपरेशन, ये अगर हमको हमारे पास इनकी वैल्यू है, इफ दे आर नोन, तो क्या होगा कि जैसे एक्सेल कैलकुलेट करना है तो एक्सेल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए प्लस 0.5 इंटू बी माइनस ए माइनस सेपरेशन, इससे हम एक्सेल कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही एक्स आर कैलकुलेट होगा तो एक्स आर हो जाएगा हमारा ए प्लस 0.5 इंटू बी माइनस ए और यहाँ प्लस सेपरेशन, ये हो जाएगा। तो इसको ये करीब करीब ये आ जाएगा आपका एक्सेल प्लस सेप, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इवेलुएट करेंगे फंक्शन y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स को एक्सेल एंड एक्स आर पे, इन दोनों पे हम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे एक्सेल पे और एक्स आर पे, यानी कि कैलकुलेट y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स एट x इक्वल टू एक्सएल एंड x इक्वल टू एक्स आर पे, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि वी विल कॉल दिस वैल्यू वाई एल एंड वाई आर, ठीक। तो जो एक्सएल पे वैल्यू मिलेगी उसको वाई एल कहते हैं हम मानेंगे, और जो एक्स आर पे मिलेगी उसको वाई आर। सपोज वाई एल टर्न्स आउट टू बी ग्रेटर देन वाई आर, देन द मैक्सिमम विल लाई समवेयर बिटवीन ए एंड एक्स आर। Hence, we retain only that portion of the search interval which ranges from xa to xr. We will now refer to the old point xr as b since it is now the right end of the new search interval. ठीक है, तो देखिए ये प्रोग्राम का लॉजिक समझ लीजिए। And generate two new search points xl and xr. These points will be located at the center of the new search interval, a distance sep, sep apart. ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मान लीजिए कि ये दो पॉइंट ये ए और बी, ये हमारा बी है और ये ए है, ठीक है। अब इसमें हमने ये एक्सएल है, ये एक्स आर है, दिस इज एक्सएल एंड दिस इज एक्स आर, और इनके बीच में सेपरेशन कितना है, सेपरेशन है दिस इज सेप, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपका जो एक्सेल है वो आपका ग्रेटर देन एक्स आर आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको फिर हम ये बी आपका, यानी फिर हमें सर्च करना रह जाएगा केवल इतने में, ठीक है, इससे और इसके बीच में। तो फिर हम इसको बी मान लेंगे, ठीक है, जो पुराना एक्स आर था, तो फॉर्मरली जो एक्स आर था हमारा वो मान लेंगे, और फिर से हम यही कहानी दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि जब ये रिकर्सिव फंक्शन की तरह इसको कॉल किया जाएगा तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, तो ये फिर से हो गया सेपरेशन, ठीक। अगर मान लीजिए इसका उल्टा हुआ, ठीक, अगर इसका उल्टा, तो हम क्या करेंगे, इस ए को एक्स आर पे ले आएंगे, एक्सएल पे ले आएंगे, तो ये हमारा हम सर्च करेंगे इसके और इसके बीच में, तो ये तो बी ही रहेगा, और जो नया ए है ये पुराना वाला फॉर्मरली एक्सेल जो है वो नया ए बन जाएगा। फिर ये दो पॉइंट्स हम नए एक्सेल और एक्सआर लेंगे, इनके बीच में सेपरेशन यही रहेगा, और तो अगर ये स्थिति बनती है तो इस तरह से काम करेंगे, और ये स्थिति बनती है तो इस तरह से काम करेंगे। यही चीज मैं आपको बता रहा था, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको सुन लीजिए कि सपोज वाई एल टर्न्स आउट टू बी ग्रेटर देन वाई आर, देन द मैक्सिमम विल लाई समवेयर बिटवीन ए एंड एक्स आर, ये जो केस है, ठीक। तो जब ए और एक्स आर के बीच में होगा तो इस बी को हम ये एक्स आर को बी बना लेंगे, और अगर वाई एल लेस देन वाई आर है तो फिर हम ए को इधर ले आएंगे, ठीक। तो इस तरह से हम सर्च करेंगे। These points will be located at the center of the new search interval, a distance sep apart. इस तरह हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि on the other hand, suppose now that in our original search interval, the value of yr turned out to be greater than y1, तो ये second case होगा जो हमने आपको बताया है, ठीक है।
we continue to generate a new pair of search points at the center of each new interval, compare the respective values of y, and eliminate a portion of the search interval until the new search interval becomes smaller than 3 into 7. Once this happens, we can no longer distinguish the interior points from the boundaries, and hence the search is ended. तो इस तरह से हम प्रोग्राम को बनाएंगे. Each time we make a comparison between YL and YR, we eliminate that portion of the search interval that contains the smaller value of Y. If both interior values of Y should happen to be identical, मान लीजिए YL और YR identical आ गए, then the search procedure stops and the maximum is assumed to occur at the center of the last two interior points. Once the search has ended, either because the search interval has become sufficiently small or because the two interior points yields identical value of y, we can calculate the approximate location of the maximum as x max is equal to ho jayega 0.5 into xl plus xr. ye hamari maximum value aa jayegi. Clear? The corresponding maximum value of the function then be obtained as, तो जो corresponding value y की आ जाएगी function की, वो आ जाएगी x max cos of x max. ये maximum value हमारी निकल आएगी. तो ये तो देखिए, ये तो हमने आपको एक logic बता दिया कि इस logic से हम function को develop करें, अपने program को develop करेंगे. अब इसमें क्या है कि इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए कि लेट अस कंसीडर ए प्रोग्राम आउटलाइन फॉर द जनरल केस वेयर ए एंड बी आर इनपुट क्वांटिटीज बट सेप हैज ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ 0.0001. ठीक है, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमने ये मान लिया कि लेट अस कंसीडर ए प्रोग्राम, प्रोग्राम आउटलाइन अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम जनरल केस के लिए क्या किया कि A and B आर इनपुट क्वांटिटीज ले लिया बट सेप हैज ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ, यानी हमने सेप को डिफाइन कर दिया साहब 0.0001. ये हमारा सेपरेशन डिफाइंड है. अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे असाइन ए वैल्यू ऑफ सेप इज इक्वल टू 0.0001. उसके बाद ए और बी की वैल्यू रीड करेंगे, तो रीड ए एंड बी. उसके बाद क्या करेंगे, रिपीट द फॉलोइंग अंटिल आइदर वाई एल बिकम्स इक्वल टू वाई आर. अब जो नीचे हम स्टेप्स आपको दे रहे हैं, रिपीट द फॉलोइंग स्टेप्स, द फॉलोइंग स्टेप्स कब तक, अंटिल YL becomes YR, जब तक कि YL जो है YR के बराबर ना हो जाए. ठीक, तो डिजायर्ड मैक्सिमम इस कंडीशन में जो हमारा डिजायर्ड मैक्सिमम है वो कहाँ होगा, विल बी एट द मिड पॉइंट, विल बी एट द मिड पॉइंट. ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई. या और द मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ बी माइनस ए और द मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, मतलब बी और ए के बीच में जो सेपरेशन है, बिकम्स लेस देन और इक्वल टू 3 इंटू सेपरेशन. मतलब या तो ये कंडीशन हो जाए या तो ये कंडीशन हो जाए, तब तक ये स्टेप्स को हमने रिपीट करना है. और स्टेप्स कौन से हैं, देखिए पहला स्टेप ये है कि जनरेट द टू इंटीरियर पॉइंट्स ए एंड बी, इसको जनरेट करेंगे. या
ए एंड बी की बजाय इंटीरियर पॉइंट्स आपने लिया है, तो इसको आप एक्सएल और एक्सआर बोलिए। आप इसको लिखिए एक्सएल एंड एक्सआर, ये दो पॉइंट जनरेट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई एल एंड वाई आर। फिर इन वैल्यूज पे कैलकुलेट करेंगे हम वाई एल एंड वाई आर और देखेंगे कौन सा बड़ा, एंड डिटरमाइन विच इज लार्जर। ठीक, ये स्टेप समझ लीजिए, उसके बाद तो प्रोग्राम तो लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि जो लार्जर पता चल जाएगा तो रिड्यूस द सर्च इंटरवल बाय इलिमिनेटिंग दैट पोर्शन that does not contain the larger value of y, उस पोर्शन को हम हटा देंगे। और ये स्टेप हम तब तक करते रहेंगे जब तक या तो वाई एल इक्वल टू वाई आर ना आ जाए और जब तक सेपरेशन बहुत कम ना रह जाए। फिर जब ये होने के बाद फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स मैक्स और वाई मैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम कहेंगे कैलकुलेट एक्स मैक्स एंड वाई मैक्स। ठीक है, और जब ये आ जाएगा हमारे पास इसको डिस्प्ले करा देंगे, डिस्प्ले the values of x max and y max, और इसके बाद प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है, ये एक तरह से आप कह दीजिए प्रोग्राम की आउटलाइन है या ये एक तरह से लॉजिक है प्रोग्राम का जिस पे बेस्ड हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अब इस पे बेस्ड जब हम सी का प्रोग्राम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा और सी प्रोग्रामिंग में इन चीज़ों को लिखने का, वो हम आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें एक्सटर्नल वेरिएबल का कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये भी आपको दिखाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।